Hello everyone, in this video we'll see amplitude scaling operation. Now one of the simplest operation as it is accomplished by multiplying any signal by a factor A, जिसको हम कहते हैं amplification factor. यानी कि किसी भी सिग्नल को अगर हम amplitude में increase करते हैं तो उसे हम कहते हैं amplitude scaling operation. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A is nothing but amplification factor. Now the best example of amplitude scaling operation जो हम कह सकते हैं is nothing but amplifier. अब अगर हम amplifier की बात करेंगे तो amplifier generally हम use करते हैं जो signal का strength है वो बढ़ाने के लिए, यानी कि amplitude को multiply करने के लिए. तो अगर हम इसे multiply करेंगे तो हो जाएगा amplification factor. Let's consider the example. Directly we'll move on to the example. Let's assume again the signals are going to be in the same manner. If this is the signal, this is t और ये है हमारा x of t, ये amplitude 1 और ये है 2. अब इस वाले केस में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं as x of यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स ऑफ टी. तो आप देख सकते हैं सिग्नल जो है ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी है उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 3 से. तो इस वाली केस में एक्स एक्सिस का पैरामीटर रहेगा सेम, ओनली जो वाई एक्सिस पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड बाय 3. ठीक है, तो एक्स का एक्सिस का जो पैरामीटर है वो सम विल कीप इन द सेम मैनर. शो इट इज फर्स्ट माइनस 1 to 0, द रेंज इज सेम. अब यहां पर एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 1 × 3 विल गेट 3, यानी कि ये आ जाएगा 3 का वैल्यू. और इसके बीच में जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ वैरिड. नेक्स्ट एम्पलीट्यूड 2 है, सो 2 × 3 विल बी 6, सो दिस विल बी 6. अब ये रेंज देखिए 0 to 1 इसी तरह से रखेंगे हम. इसके बीच में द सेम टर्म्स आ गया. देन एक स्लोप है और 2 एज इट इज़ है, ये स्लोप कुछ इस तरह से आ जाएगा. फाइन, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्नल एस 3 × x of t. तो हमने क्या किया है, सिंपली एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई किया, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन. अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करेंगे, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल. फॉर माइनस 2 लेट्स सपोज द वैल्यू इज 1, फॉर माइनस 1 द वैल्यू इज 2. Let's assume for 0 we have amplitude 2. For 1 also I will assume the value 2. For 2 we'll consider 0. ये है हमारा एक discrete time signal. अब इस discrete time signal को हम multiply करेंगे कुछ factor से. Let the factor is 2. Okay, so I will be writing 2 times x of n. So as usual, first x axis का पैरामीटर सेम रखेंगे. स्टार्ट करेंगे माइनस 2 से. माइनस 2 पे एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2. नेक्स्ट माइनस 1 है एज इट इज, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, 2 × 2 विल बी 4. दिस इज 4. नेक्स्ट 0, 0 पे देखिए एम्पलीट्यूड 2 है, 2 × 2 विल बी 4. तो 0 के अक्रॉस जो एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा 4, 0 के अक्रॉस. नेक्स्ट 1 है, 1 के लिए एम्पलीट्यूड 2 है, 2 × 2 अगेन 4. सो विल बी गेटिंग दिस एज 4. सो 1 के अक्रॉस भी ये मिलेगा हमें 4. 2 के लिए एम्पलीट्यूड 0 है, 0 × 2 विल बी 0. सो विल बी गेटिंग दिस एज 0 ए एन, और ये हो जाएगा 2 times x of n. फाइन, तो x एक्सिस पैरामीटर इज सेम,
ओनली देर इज अ वेरिएशन ऑफ वाई एक्सिस. तो ये हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन. थैंक यू.